चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमें इस समय बेहतरीन लय में हैं। भारत लगातार 10 मैच जीतकर फाइनल में पहुंची है, जबकि ऑस्ट्रेलियाई टीम ने लगातार 8 मैच जीतकर फाइनल का टिकट कटाया है। दोनों टीमों में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो अकेले अपने दम पर मैच का रुख पलटने की काबिलियत भी रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के बीच आज वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। देश भर के तमाम फैन जो हैं वो उनके लिए पूजा अर्चना कर रहे हैं। यहाँ पर आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से विराट कोहली, कप्तान रोहित शर्मा और जो एक तरफ है मोहम्मद शमी की फोटो लगाकर देश भर के जो फैंस है, पुजारी है, वो यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं मंदिरों में कि भारत जो है आज मैच जीत कर स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास के पन्नों में 2023 का वर्ल्ड कप मुकाबला अपने नाम कर ले। देखिए आप किस तरीके से भगवान की पूजा अर्चना की जा रही है। जो फैंस है वो चाह रहे हैं कि भारत आज का मैच जीत कर 2023 के अपना नाम ये मुकाबला कर ले। तो ये जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं भारत की जीत के लिए यहाँ पर दुआ मांग रहे हैं, यहाँ पर भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि भारत अगर आज का वर्ल्ड कप मैच जीतता है तो जो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है वो भारत के नाम हो जाएगी और 2011 के बाद भारत 2023 में ये मुकाबला जीतेगा। कैमरा मैन अरविंद के साथ शबाना, अनादी टीवी, भोपाल। चलिए रुक कर लेते हैं संवाददाता शबाना की ओर। शबाना, अगर मध्य प्रदेश की बात करें, भोपाल की राजधानी की बात करें, तो किस तरह का जो नजारा है वो देखने को मिल रहा है क्रिकेट को लेकर? जी देखिए, राजधानी भोपाल की बात करें तो आज जो है क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल मैच है, भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भारत लगातार अपना 10वां मुकाबला जीतकर फाइनल में पहुंचा है और ये 2003 के बाद पहली बार हुआ है। 2003 में सौरभ गांगुली की कप्तानी में भारत लगातार 8 मैच जीता था और अब रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत लगातार 11वां मैच अपना आज जीतने जा रहा है, मतलब कि भारत वर्ल्ड कप जीतेगा ही। लेकिन भोपाल की बात करूं तो जो भोपाल में क्रिकेट के फैन है, कहा जाता है क्रिकेट केवल एक खेल नहीं है, ये इमोशन है और भोपाल में जो क्रिकेट के फैन वो काफी ज्यादा खुश है और चाह रहे कि भारत इस बार वर्ल्ड कप जीते और वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी है वो भारत के हाथों में आए, जिसके बाद भारत टीम इंडिया का जो नाम है इतिहास पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। क्योंकि भारत अब तक 1983 में कपिल देव की कप्तानी के बाद 2011 में एमएस धोनी की कप्तानी और अब 2023 में जो है रोहित शर्मा की कप्तानी में वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुंचा है। तो जाहिर सी बात है क्रिकेट फैंस जो है वो काफी खुश है और चाह रहे हैं कि भारत अपना अच्छा प्रदर्शन करे। दोनों टीम जो है काफी मेहनती टीम है और अब तक अच्छा प्रदर्शन करते आई है वर्ल्ड कप में, तो जाहिर सी बात है मुकाबला टफ होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो है एक तरफ भारत लगातार मैच जीता है तो भारत के अंदर वो पॉजिटिव सोच है, दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया है तो कहीं ना कहीं भारत के जो खिलाड़ी है लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो अकेले सिंगल दम पर मुकाबला जो है पलटने का दम भी रखते हैं। तो जो भोपाल में फैंस है काफी खुश है, वो चाह रहे हैं कि जो आज उनके खिलाड़ी हैं वो देश का नाम रोशन करें और जो है विश्व में वर्ल्ड कप जो है वो हमारे नाम हो जाए। बिल्कुल शबाना, लगातार हम तस्वीरें अनादि टीवी के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह का जो उत्साह है वो देश भर में देखने को मिल रहा है। और राजधानी भोपाल की बात करें तो लगातार हम ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं जहाँ मंदिरों में पूजन अर्चना की जा रही ताकि जो इस बार वर्ल्ड कप है वो भारत ही जीत कर लौटे। अगर हम बात करें बाकी जगह की तो किस तरह की तस्वीरें आज देखने को मिल रही, लोगों में कितना उत्साह नजर आ रहा है, किस तरह से आज सुबह से ही जो जश्न है वो भोपाल में देखने को मिल रहा है? जी देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया भारत में क्रिकेट केवल एक खेल नहीं है, ये पर्व की तरह मनाया जाता है। अगर भारत आज का मुकाबला जीतती है तो हिंदुस्तान के लोग जो है दीपावली और ईद से भी ज्यादा खुश होंगे और आज सबसे ज्यादा पटाखे फूटने वाले हैं। और भोपाल की बात करूं तो मंदिरों में जो है रुद्राभिषेक हो रहा है और पूजा अर्चना हो रही है, खिलाड़ियों की फोटो लगा के भगवान से प्रार्थना की जा रही है कि जो भारत है वर्ल्ड कप अपने नाम कर ले। और भारत बड़ी मजबूत टीम है, ऐसे में भारत को हराना बहुत
मुश्किल होगा। जाहिर सी बात है 90% ये चांस है कि भारत ही वर्ल्ड कप जीतेगा। और भोपाल में जो है बड़े बड़े स्क्रीन लगाए गए, एलईडी स्क्रीन लगाए गए हैं, कई ऑफिसों में जो है प्रोग्राम किया जा रहा, होटल और रेस्टोरेंट तक में ऑफर दिया जा रहा है कि भारत का मैच अगर आप यहाँ देखने आएंगे तो आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। तो आप देखिए कि जो फैंस है भोपाल और तमाम जगह के वो कितने खुश हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शबाना तमाम जानकारी को। देखिए किस तरह से फैंस जो है उनमें काफ़ी ज़्यादा जो खुशी है वो आज देखने को मिल रही है। और शाम को जब भारत वर्ल्ड कप लेकर वापसी करेगा तो उसकी जो तैयारियां हैं वो सुबह से ही लोगों ने कर रखी है। और देखिए मंदिरों की तस्वीरें आप तक लगातार पहुँचा रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर जो लोग हैं सुबह से ही पूजन आराधना कर रहे हैं और भगवान से ये मन्नत कर रहे हैं कि आज जीत जो है वो भारत